हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि एज ए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर आपको एक रूम चेक करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ आपको चेक करनी है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बेल बजा के चेक करना है कि बेल बज रही है या नहीं बज रही है। अगर नहीं बज रही है तो आपको इमीडिएटली जॉब ऑर्डर रेज करना है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, और उसके बाद आपको रूम ओपनिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए रूम पे एंटर करना है। और जब भी आप चाबी से रूम खोलें तो आपको चेक करना है कि आपका की ऑपरेशनल स्मूथली है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको अगेन कंप्लेंट रेज करनी है। और जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर हैं तो सबसे पहले आपको महसूस करना है कि रूम में फ्रेशनेस की स्मेल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है और हाउसकीपिंग एम्प्लॉय को बुला के रूम में फ्रेशनअप करवाना है। उसके बाद आपको की को ESD डिवाइस, इसे बोलते हैं ESD डिवाइस यानी कि एनर्जी सेविंग डिवाइस, वहां पे की इंसर्ट करना है। और रूम पे लाइटिंग सेटअप को चेक करना है कि लाइटिंग चल रही है नहीं चल रही है, कोई बल्ब फ्यूज तो नहीं है। उसके बाद आपको लिनन की क्वालिटी चेक करनी है कि बेड मेकिंग परफेक्ट है या नहीं है, कहीं स्टेन तो नहीं है, बाल तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है, प्रॉपर अलाइनमेंट में रनर एंड कुशन लगे हैं या नहीं लगे हैं। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका AC वर्किंग है या नहीं है। आपको TV चेक करना है ऑन करके कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके रूम पे इस तरह से रिमोट के पीछे का कवर नहीं है तो आपको इसको इमीडिएटली चेंज करना है, अलाउ नहीं करना है कि ये रूम में लगे। उसके बाद आपको जॉब वाला चेक करना है कि सब कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, ड्रॉर प्रॉपरली ऑपरेटिंग हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मेन्यू कार्ड जो लगा हुआ है प्रॉपर लगा है नहीं लगा है, ठीक है, कर्टन के चैनल प्रॉपरली अलाइन है या नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉर्नर्स देखने हैं, क्लीनिंग स्टैंडर्ड को चेक करना है, कॉबवेब चेक करना है, देखिए कॉबवेब वहां पे, ठीक है, टेलीफोन चल रहा है नहीं चल रहा है ये चेक करना है। इसके अलावा अगर आपके रूम पे स्टेशनरी है तो वो भी चेक करने की प्रॉपर एज पर होटल स्टैंडर्ड है या नहीं है। वार्डरोब आपको चेक करना है, देखिए यहाँ पे हैंडल नहीं है, इसका हैंडल यहाँ पे रखा हुआ है तो ये गलत है। तो आपको जॉब ऑर्डर प्लेस करना है, ये देखिए प्रॉपर नहीं लग रहा है, तो इसका भी आपको जॉब ऑर्डर बनाना है और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद जब बाथरूम में आए तो आपको महसूस करना है यहाँ पे कोई जुरिंदर की स्मेल तो नहीं है या कोई स्मेल तो नहीं आ रही है। अगर स्मेल आ रही है तो डेफिनेटली आपको ड्रेनेज चेक करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे रूम फ्रेशनर डाल के या फिर ड्रेनेज में पानी डाल के उसको क्लीन करना है। टावर की क्वालिटी चेक करनी है कि टावर प्रॉपर है या नहीं है, खोल के चेक कर सकते हैं आप। ये देखिए ये टावर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नहीं चलेगा, तो आपको इसको इमीडिएटली चेंज करना। और चेंज करने से पहले आपको यहाँ पे इसको बांट लेना है ताकि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को मालूम हो जाए कि ये हमने क्यों निकाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको गर्म पानी चेक करना है, आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है, हैंड वॉश है या नहीं है, यहाँ पे कोई स्टेन तो नहीं है, देखिए साफ है, WC प्रॉपर क्लीन है या नहीं है, देखिए आपको ये सब चेक करना है, टॉयलेट रोल लगा है नहीं लगा हुआ है, ये देखिए ये एक्स्ट्रा है, इसको आपको फेंकना है, ये नहीं रखना है, ठीक है, शावर एंड क्लीन है या नहीं है, शैम्पू एंड बॉडी वॉश प्रॉपरली इसमें फिल किया गया है नहीं किया गया, जबकि स्टैंडर्ड होता है 3x4 का, वो यहाँ पे नहीं है, देखिए शैम्पू नहीं लगा हुआ है तो इसमें शैम्पू रिफिल करना है, बाल्टी चेक करनी है, पानी का प्रेशर चेक करना है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको सुपरवाइजर रूम पे चेक करना ही करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।